8 जुलाई के लिए जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में बोला था, अगर हम 35,800 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो हम फिर बैंक निफ्टी में पूरी तरह से बुलिश हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि हर बार हुआ कि 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, कई बार देखा गया है कि इसके ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी एक दिन क्लोजिंग भी दे देता है लेकिन दूसरे ही दिन उसमें बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज गिरावट देखने मिलती है। तो आज भी बैंक निफ्टी में वैसा ही हुआ, ये 35,800 से रेसिस्टेंस फेस किया और वहां से एक बहुत ही शार्प गिरावट देखने मिला और ये गिरावट और भी तेज हो गया जब 35,500 को क्रॉस किया। जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि इस लेवल को क्रॉस करता था हम पूरी तरह से बेयरिश हो जाएंगे बैंक निफ्टी में, और ये यहां तक गिरावट देखा है 35,130 तक। और कल हम अगर इसी लेवल के बीच ट्रेड करते हैं 35,130 से लेकर के 35,500 के बीच, तो बैंक निफ्टी को हम साइडवेज मानेंगे। और अगर हम 35,130 को क्रॉस करते हैं और फिर एक यहां जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी हम क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहां पर दो बार सपोर्ट ले चुका है, अगर तीसरे बार भी यहां पर सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर हम 35,130 को क्रॉस करते हुए इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करते हैं तो फिर हम यहां तक आ सकते हैं मैक्सिमम रूप से 34,650 तक। तो मैक्सिमम यहां तक गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहां पर आएगा जब गिरावट तो हो सकता है बहुत ही तेज शार्प गिरावट हो, और ये गिरावट कई बार हो चुका है इस लेवल से गिर करके बैंक निफ्टी यहां तक काफ़ी तेजी से आता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का लेवल्स अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, वीडियो मैंने डाल दिया है, उस वीडियो को देखिए। और कल के क्या इंपॉर्टेंट लेवल है प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहां पर मैं कंप्लीट रूप से आपको इन्वेस्टमेंट और जो इंपॉर्टेंट इंट्राडे के लेवल्स हैं वो सारे के सारे लेवल्स प्राइस एक्शन के माध्यम से बताता हूं। और प्राइस एक्शन ही सबसे श्रेष्ठ है, आप किसी भी इंडिकेटर को यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्राइस एक्शन है, तो प्राइस एक्शन को जरूर सीखिए।